हेलो स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में देखेंगे चोर वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न जो 2023 में पूछे गए थे। इस स्टूडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब 2023 में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन सिंह का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन प्रथम, रुद्र सीमा तृतीय, मोस चस्ताना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनका शासनकाल आपको याद रखना है, इनका जो शासनकाल है वो 130 से लेके 150 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब बात करें सुदर्शन झील की, यहाँ पे जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार गिरनार में नियुक्त राजपाल जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ। और रुद्रदामन प्रथम नहीं और रुद्रदामन प्रथम नहीं शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में शकों की पांच शाखाएं थी। शकों की पांच शाखाएं थी, कौन कौन से? एक अफगानिस्तान, दूसरा है पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, तक्षशिला जिसकी राजधानी तक्षशिला। अगला है मथुरा, और यहाँ पे लिख देते हैं पश्चिमी भारत, और ऊपरी दक्कन जिसकी राजधानी उज्जैन थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? पुष्यमित्र, भवभूति, शशांक या देवभूति? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है देवभूति, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देवभूति की बात करें तो इनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी इनकी हत्या। और ये वासुदेव कर्ण है, ये सुंग वंश के संस्थापक थे। सुंग वंश के संस्थापक थे। और शशांक की बात करें तो शशांक जो है ये प्राचीन बंगाल के पहले राजा थे। और इनका जो शासन काल है वो 600 से लेके 625 ईस्वी तक रहा। और इन्होंने जो है गौड़ साम्राज्य पर शासन किया था। अब यहाँ पे भगवती की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे जिन्होंने महावीर चरित्र और मंगलती माधव आदि जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। उन्होंने नाटक लिखे थे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? 2023 में आया प्रश्न है, राजपाल, रामभद्र, देवपाल, महेंद्र पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट, महेंद्र पाल। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? शक, सातवाहन, गुप्त या फिर कुषाण? तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले
कौन थे? शाहजहां थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब शाहजहां की बात करें तो ये जो है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन था। और सातवाहन के जो संस्थापक थे वो शिमुक थे। कौन थे? शिमुक थे। इसे तो याद रखेंगे। अब शक की बात करें तो इनका जो शासन काल है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक, चौथी शताब्दी ईस्वी तक इनका शासन का रहा था। और भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक, भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक आपको याद रखना है वो कौन है? रुद्रदामन है, जो 130 से लेकर 150 ईस्वी तक ये शासन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? मौर्य वंश, चंदेल वंश, या दो ही ऑप्शन है तो आपको याद रखना है चंदेल वंश। अब चंदेल वंश क्या है तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत में पाया जाने वाला, उत्तर भारत में पाया जाने वाला एक राजवंश वंश था, एक राजवंश वंश था, इसको आप याद रखेंगे। और जो चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो नन्नू थे। कौन थे? नन्नू चंदेल वंश के संस्थापक थे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण, खजुराहो ये मंदिरों का निर्माण, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था, 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। और ये जो खजुराहो है, खजुराहो की बात करें तो ये खजुराहो स्मारक समूह ये छत्तरपुर जिले मध्य प्रदेश में हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का एक समूह है। हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का एक समूह है, जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश के स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे? चंदेल, पल्लव, पाली, गुप्ता। तो महाबलीपुरम स्मारक जो है ये पल्लव वंश के स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब महाबलीपुरम की बात करें तो ये जो है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसमें जो है वास्तुकला जिसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित स्मारकों का एक समूह शामिल है, स्मारकों का एक समूह शामिल है। अब यहाँ पर जो स्मारक है वो विशेष रूप से अपने रथों जिसको गुफा विहार भी कहते हैं, मंडपों को, और विशाल विशाल खुली हवा वाली विशाल खुली हवा वाली रहते खुली हवा वाली रहते जैसे जैसे प्रसिद्ध गंगा के अवतरण जैसे प्रसिद्ध गंगा के अवतरण और रिवेज के प्रसिद्ध मंदिर जैसे जैसी विशाल खुली हवा विशाल खुली हवा वाली इमारतें खुली हवा वाली इमारतें जिनमें शिव की महिमा के लिए हजारों मूर्तियां हैं। इसके बाद
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हवेन शाह ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय, महेंद्र वर्मा प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब इनको जो है महा इनको जो है महामल्ला या मामल्ला महामल्ला या मामल्ला के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है महान पहलवान, जिसका मतलब होता है महान पहलवान। इन्होंने जो है इन्होंने वतापी कोंडा इन्होंने वतापी कोंडा इन्होंने वतापी कोंडा की उपाधि ली, वतापी कोंडा की इन्होंने उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? ये भी 2023 में आया प्रश्न है। पूर्व मावी चतुर्थ, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, शिमुक वशिष्ठ वशिष्ठी पुत्र पुली मावी पुली माम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संगम राज पांडे की राजधानी थी, तो पांडे की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना मदुरे, पांडवों की जो राजधानी थी वो मदुरे थी। और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्राचीन दक्षिण भारत में प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगम आयोजित किए गए, तीन संगम आयोजित किए गए जिन्हें मुचंग मुचंगम कहा जाता है, जिन्हें मुचंगम कहा जाता है। पहला संगम क्या है, पहला संगम जो है मदुरे, दूसरा संगम जो है दूसरा संगम कापद जुराम और तीसरा जो संगम है वो भी मदुरे है, इसे तो आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, राम कुर्वा फूल बोली राम कुर्वा बोली जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौलिक स्तंभ का हिस्सा था, वो अब डैश में रखा है, प्रधानमंत्री भवन में, संसद में, राष्ट्रपति भवन में या राजपथ में रखा गया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, राष्ट्रपति भवन में इनको रखा गया है। और जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अशोक के स्तंभ मौर्यकालीन कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बलुआ पत्थर का अशोक स्तंभ है, जिसको आप याद रखेंगे, जिसे रामपुरवा पुल के नाम से जाना जाता है, जिसे रामपुरवा पुल के नाम से जाना जाता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव राजा कौन थे? महेंद्र वर्मन, अपराजित वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु। ये 2023 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, अपराजित वर्मन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 130 से लेकर 150 इसी तक भारत में एक शख्स शासक था? पहले या दूसरे क्वेश्चन में आंसर मैंने बताया था, बिंदुसार, रुद्रदामन, पांडुका, चस्तान। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रुद्रदामन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, कंदलिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजवंश के राजा चंगदेव ने कराया था। तो चंदेल वंश ने, पाल वंश ने, पल्लव वंश ने या फिर चोल वंश ने। तो कंदलिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने कराया था? तो याद रखना है चंदेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसका जो पहला उल्लेख है, जो कंदलिया महादेव मंदिर है, इसका जो पहला उल्लेख है अल्बरूनी, अल्बरूनी और इब्न बतूता, ये कृति में मिलता है, इब्न बतूता की कृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा पुरी जो कि एक बिहार के रामपुरवा में पाए जाने वाला एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, अब उसको कहां पर रखा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन, इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राजपूत प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया था जिसके शाब्दिक रूप में डैश कहा जाता है। प्रार्थना सभा, हिरण गर्भ, घोड़सवारी या सहायक गठबंधन। इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको याद रखना है सहायक गठबंधन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब ये हिरण गर्भ क्या है? ये जो होता है यह अनुष्ठान ब्राह्मणों ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है, ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है, किया जाता है, बच्चे को याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? पक्षी, मछली, धनुष, बाण और बाघ। तो आपको याद रखना है धनुष और बाघ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो प्रतीक था ये राजवंश द्वारा चलाए गए सिक्कों पर भी दिखाई देता था, राजवंश पर चलाए गए सिक्कों पर भी ये दिखाई देता था। और जो राजवंश थे, राजवंश ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र को नियंत्रित किया था, तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र को नियंत्रित किया था और इसकी राजधानी उन्होंने वज्जी बनाई थी। अब जहाँ पे वो है सेन गुटुवन और लाल चेरा सभी शासकों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो देखने की धन्यवाद।